कोरोना काल में सबसे ज्यादा संकट का सामना करने वाले MSMEs को सरकार से अभी और मदद की दरकार है। मैन्युफैक्चरिंग PMI में बढ़ोतरी के बावजूद अभी भी कई सेक्टर्स के MSMEs की हालत नाजुक है। RBI गवर्नर का मानना है कि जुलाई सितंबर में इकोनॉमी के कई सेक्टर्स में तेजी दिखाई दी है, तो कुछ की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। Different areas that I feel would determine our ability to step up and sustain India's growth medium term. Number one, human capital, in particular education and health. Number two, productivity. Three, exports, which is linked to raising India's role in the global value chain. Four, tourism. Five, food processing and associated productivity gains. इस संकट के बीच अब MSMEs 5 करोड़ से ज्यादा फंडिंग के लिए बैंकों के सख्त नियमों में 3 साल के लिए ढील देने की गुजारिश कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में देश भर के 6.3 करोड़ MSMEs की वित्तीय सेहत पर असर पड़ रहा है और उन्हें विस्तार करने में मुश्किल हो रही है। 11 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाले ये MSMEs पहले ही कोरोना में अपने काफी कर्मचारियों को हटा चुके हैं और उत्पादन कम कर चुके हैं। फिलहाल 5 करोड़ से ज्यादा लोन के लिए क्रेडिट रेटिंग के आधार पर ही बैंक लोन दे रहे हैं। अभी सेक्टर की मांग है कि इस शर्त को हटाने के साथ साथ लॉकडाउन की अवधि के ब्याज पर भी माफी दिलाई जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितनी भी है इंडिया की, उन्होंने लोन पूरी तरह से लोन को एक्सेप्ट नहीं किया है। स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज को लोन की जो रीजन था, लोन का स्कीम ये थी कि 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा दोज यू आर ऑलरेडी अवेलिंग द लोन एंड दोज यू आर पेइंग नॉर्मल EMI। तो उन लोगों ने अभी लोन की उतनी, क्योंकि डिमांड इंक्रीज नहीं हुई तो लोन एक्सेप्टेंस की कमी है। MSMEs की मांग है कि इस दौर में तो बैंकों को सेक्टर की कमजोर आर्थिक हालत वाली कंपनियों को फंड मुहैया कराना चाहिए। इससे न केवल वो कामकाज जारी रखेंगे बल्कि लोगों की नौकरी भी चलती रहेगी। गवर्नमेंट को ग्रांट देनी चाहिए, जैसे कई कंट्रीज में दिया गया, तो ग्रांट नहीं दी गई, उसके बकायदा लोन दिया गया और लोन के ऊपर EMI लगाई गई, तो EMI और लोन से मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ गई और आगे डिमांड नजर नहीं आ रही। जब आगे डिमांड नहीं है तो लोगों को लोन लेने में हिचक हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर एक एडिशनल बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। अगर डिमांड नहीं आई तो लोन की EMI तो आ जाएगी, तो इसलिए लोगों को ये इंडस्ट्रियलिस्ट को, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोन लेने से उनको आगे डिमांड का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। इस बीच MSMEs के लिए एक अच्छी खबर है सरकार की तरफ से। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत MSMEs के लिए शुरू किए गए इमरजेंसी लोन स्कीम की मियाद को सरकार बढ़ा सकती है। इस योजना के तहत 1 जून से 10 सितंबर तक ही 1.63 लाख करोड़ का लोन ही पास किया गया है, जबकि 1.18 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है, यानी करीब 3 महीनों में स्कीम के लिमिट के लिहाज से आधे से भी कम पैसा बटा है। स्कीम खत्म होने में अब केवल 1.5 महीना बचा है। पहले ये तय किया गया था कि 3 लाख करोड़ या 31 अक्टूबर में जो भी पहले होगा उसी वक्त ये स्कीम खत्म कर दी जाएगी, लेकिन अगले 1.5 महीने में 3 लाख करोड़ के आवेदन मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से योजना की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है।